श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि के नाम से स्पष्ट है कि इसमें माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। आषाढ़ मास में पड़ने वाला त्योहार गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा के उपासकों के लिए खास होता है। आषाढ़ माह के प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 को सुबह 10:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि की कोई विशेष पूजा विधि नहीं होती है, बल्कि स्नान आदि करने के बाद कलश अथवा माता के किसी भी प्रतीक के सामने बैठकर 108 बार मंत्र का जाप करना है, या फिर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। यदि समय का अभाव है तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए दीपक प्रज्वलित करें और जाप अथवा पाठ करें। माता के भोग में लौंग एवं बताशे का उपयोग करना चाहिए और पूजा में लाल सुगंधित फूलों का उपयोग करें। पूरे 9 दिन तक सात्विक भोजन करें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके रावण का पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है तो उसे उनसे सुख सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। शत्रु ग्रह बाधा और तमाम दुख उससे दूर रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।